आम का सीजन आते ही लोग तरह तरह के अचार बनाना शुरू कर देते हैं, तो बस आज हम भी बिल्कुल सिंपल तरीके से आंध्रा स्टाइल बहुत कम मसालों में और बहुत ही आसान तरीके से अचार बनाकर तैयार करेंगे। हेलो दोस्तों, आरएसपी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आंध्रा स्टाइल आम का अचार शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और इसकी खास बात तो ये है दोस्तों कि ये बिना धूप और बहुत ही कम मसालों में बनकर तैयार हो जाता है, तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आंध्रा स्टाइल अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 4 आम और इसे अच्छे से मैंने धुल लिया है। फिर अब इसके टॉप पार्ट को हम काट के हटा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से इसे हम काट के हटा देंगे और फिर हम दोनों साइड से ऐसे इसका जो गुद्दा होता है ना, इसे अच्छे से काट लेंगे। गुठली का इस्तेमाल हमें नहीं करना है इस अचार में। तो देखिए इस तरीके से अब हम इसके बीच से 2-3 चीरे लगाएंगे और छोटे छोटे पीस काट कर तैयार कर लेंगे। वैसे आप इसके बड़े पीस छोटे पीस जैसा चाहें काट कर इसे बना सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो गुठली के साथ भी इस अचार को काट कर बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से हम इन सारे आम को काट कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सबको काट लिया है और अब हम इसे आधा घंटा के लिए धूप दिखाएंगे। ज़्यादा धूप नहीं दिखाएंगे, बस इसका जो मॉइस्चर है ना, बस उसे हम सुखा लेंगे। और फिर चलिए तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हमें सरसों दाना चाहिए और थोड़ा सा चाहिए मेथी दाना, और इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए 4 से 5 चम्मच मैंने सरसों लिया है और उसी चम्मच से मैंने 1.5 चम्मच मेथी दाना लिया है। और अब हम इसे अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हल्का इसे रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए रोस्ट हो चुका है, तो चलिए अब हम इसका पाउडर बना लेते हैं। तो लीजिए पाउडर बनकर तैयार हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और दोस्तों मसाले को पीसते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसे बिल्कुल फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अचार में। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिया था जो आम कटे हुए, उसको थोड़ी देर के लिए धूप में डाला हुआ था, तो देखिए इसका मॉइस्चर अच्छे से ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसे अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और साथ ही हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए मसाले। साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। आप चाहें तो तीखा वाला मिर्ची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। साथ ही डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ ही डालेंगे 2 टेबल स्पून गुड़। गुड़ को मैंने क्रश करके डाला है, आपके पास पाउडर हो तो आप गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये जो चम्मच मेरे हाथ में है ये सब्जी सर्व करने वाला चम्मच है, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून बताया है कि मैंने गुड़ डाला है, क्योंकि इस चम्मच में 2 टेबल स्पून गुड़ आराम से आ जाता है। फिर अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसके बाद चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। फिर मैंने लिया है एक पैन और फिर हमने पैन में डाला है सरसों का तेल 1/2 कप। आप चाहें तो इसमें जो भी कुकिंग ऑयल पसंद हो आप ले सकते हैं। और दोस्तों गैस को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे हम इसमें 10 से 12 लाल सूखी मिर्च, साथ ही डालेंगे 1/4 कप लहसुन। लहसुन और सूखी मिर्च को हम अच्छे से तेल में पका लेंगे। दोस्तों अगर आप चाहें तो सबसे पहले राई दाना का तड़का डालने के बाद आप लहसुन और मिर्ची को भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ राई दाना नहीं डाला है, आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालिएगा। वैसे इस अचार में राई दाना भी डाला जाता है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। और साथ ही आप इसमें मनपसंद मसाले भी ऐड कर सकते हैं, वैसे जैसे ये ट्रेडिशनली बनाया जाता है मैंने उसी तरह से इसे बनाकर तैयार किया है। साथ ही मैंने इसमें डाला है 1/4 कप हींग और 1 बड़े चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लहसुन और मिर्च को पकने के बाद गैस को बंद कर देंगे, उसके बाद ही हम इसमें हींग और लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, नहीं तो सूखे मसाले हैं जल सकते हैं। और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि तेल बिल्कुल खोलता हुआ अचार में नहीं डालना है, थोड़ा सा तेल ठंडा कर लेंगे उसके बाद अचार में हम इसे मिला देंगे। तो देखिए तेल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे अचार में डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों इसे बनाना है ना आसान, और कितना चटपट बनकर तैयार भी हो जाता है, कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ना, चटपटा टेम्पटिंग लग रहा है ना, वाकई में ये चटपटा बना भी है। दोस्तों आप एक बार ट्राई तो करके देखिए, बहुत ही पसंद आएगा आपको। आप इसे रोटी नान पराठा या फिर दाल चावल किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं।
दोस्तों, इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसे 2 से 4 घंटे के लिए ढककर रख दीजिए या फिर बोतल में भर के रख दीजिए ताकि सारे मसाले आम के अंदर अच्छे से सोख हो जाएं और अच्छे से घुल मिल जाएं। तो फिर ये अचार और भी चटपटा बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे बिना धूप के भी ऐसे ही ढककर घर में रख सकते हैं या फिर आप इसे बोतल में भर के और घर में ही जहाँ धूप आता हो वहाँ पे रख लीजिए और इसे 2 से 4 महीने आराम से इंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो ये अचार थोड़े अगर सुखा के बनाए जाए आम को तो ये सालों भर आराम से जा सकता है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है अचार में, और इसका कलर भी आप जब तक इस अचार को रखेंगे ना तब तक बिल्कुल ऐसा ही कलर बना रहेगा। तो दोस्तों बनाना तो बनता है इस रेसिपी को। ये रेसिपी बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएंगे, और आपने एक बार इसे बनाया ना तो फिर बार बार आपको बनाने का मन करेगा। और इसे बनाना भी है ना आसान, बस राई और मेथी को रोस्ट करके और पीस कर इसमें मिला देना है। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।